बाजी ने मुझे बिना बात के इतनी सारी बातें सुनाई। दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सके है, पर अपने पति का अपमान कतई बर्दाश्त न कर सके है, किसी कीमत में भी ना। कुछ अर्जेंट काम था क्या? हाँ था तो अर्जेंट। मैं इनको बोलती हूँ कि आपको कॉल बैक करेंगे। जी थैंक यू। अरे इतनी जल्दी लेकर आ गई। इंटरनेशनल कॉफी है, जल्दी तो बनेगी ना। अच्छा थैंक यू। अरे वाह वाह कॉफी तो तैयार है। वंडरफुल। थैंक यू। अरे सुनिए किसी मिस्टर जितेन का फोन आया था, कह रहे थे बहुत अर्जेंट बात करनी है। अच्छा ऐसा क्या अर्जेंट है? अरे ये वही केस है, तुमने उससे बात की 50-50 शेयरिंग की? हाँ वो तो मैंने नंदिनी को। अच्छा तो ये वही है जिसकी अभी डील हुई? हाँ वही है। मैं तो पहली नजर में भाप गया था कि जरूर कोई फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि जमीन इसके नाम पे थी नहीं। मैंने तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में हाथ डाल दिया क्योंकि आगे चलकर प्रॉफिट ही होगा। अब फिर बाद में ये जाने या जिसके साथ ये फ्रॉड कर रहा है वो जाने। I was interested only in my profit। तो फिर आपने जमीन वापस करने के लिए हाँ क्यों की? तुम्हारे लिए। चलो मैं उससे फोन लगा के बात करता हूँ। हेलो। हाँ भाई मिस्टर जितेन। सबसे पहले तो तुम्हें मैं ये बता दूं कि इतनी रात को दोबारा कभी मुझे फोन मत करना। बाय द वे मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? आई एम सॉरी, एक्चुअली अर्जेंट था कुछ, इसलिए आपका नंबर मैंने आपके पीए से लिया था। हाँ अच्छा, वैसे अर्जेंट क्या है? मैं ये कह रहा था कि आपने जो मुझे पेमेंट स्टॉप करने के लिए कहा वो लेट कहा, मैं पेमेंट जमा करवा चुका था, नहीं तो। इट्स ओके, इट डजंट मैटर, आगे बोलो क्या है। मिस्टर हिम्मत, मैं ये कह रहा था कि कोई भी जमीन के बारे में अगर आपसे डिस्कशन करे तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना, क्योंकि एक्चुअली वो जमीन। कुछ कहने की जरूरत नहीं है जितेन, मैं इंसान को पहचानने में गलती नहीं करता। मैंने जमीन तुमसे खरीदी है तो मेरे लिए वो जमीन तुम्हारी ही थी। अगर वो तुम्हारी नहीं है तो दैट्स योर प्रॉब्लम। और मुझे बताने की कोशिश मत करो कि मैं अपनी जमीन के बारे में डिस्कस करूं या ना करूं, समझ गए? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि लिटिगेशन में ये जमीन। लिटिगेशन की बात तुम मत करो, उसे मैं निपट लूंगा। अगर चाहो तो जो जमीन तुमने मुझे बेची नहीं है ना उसे भी अपने नाम पे करो। और हाँ दोबारा कह रहा हूं कि इतनी रात गए फिर कभी मुझे फोन करने की जरूरत मत करना, बिकॉज आई डोंट मिक्स माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सारा मूड खराब कर दिया कॉफी का इस जितेंद्र सिंह चौधरी ने। क्या हुआ? पता नहीं। अच्छा सुनिए, मैं सोच रही थी कि कांता को ऑफिस वाले गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दूं। हाँ कर दो, पर कुछ खास वजह? हाँ वो उसका अतीत उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा।
वो जो नंदिनी आई थी ना, वही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसका पति इसके कत्ल के इल्जाम में फंसा हुआ है। क्या बात कर रही हो? ये जितेंद्र सिंह चौधरी वही है? What a coincidence! खैर, तुमने रिकॉर्डिंग तो कर ही ली है, अब तक तो कमिश्नर के पास भी पहुंच गई होगी। हाँ, हमने कांता का स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्डिंग करके बहुत अच्छा किया। हाँ, मैंने होम मिनिस्टर साहब से कह भी दिया था। और हाँ, जो कांता के मर्डर में अरेस्ट हुआ है ना, वो भी एक ही दिन में बरी हो जाएगा। Is it possible? Of course it is. Anything for you. तो अभी होम मिनिस्टर साहब को फोन कर देता हूँ। हेलो जी। हाँ मिनिस्टर साहब, नमस्कार। जी जी जी, सॉरी आपको इतनी रात को परेशान किया, एक छोटा सा काम था। नहीं, सच में छोटा सा ही काम था। ओके, लो, हो गया काम। अब तुम कांता को लेके नॉर्थ ब्लॉक चले जाना, मिनिस्टर साहब से मिलने। हाँ, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम गरिमा। लाले, बड़ी बहू कहाँ है? माँ जी, बड़ी बहू तो अपने मायके गई है। मायके? ऐसे कैसे? उनकी माँ का फोन आया था, बहुत कलेश कर रही थी। कह रही थी कैसे अपराधियों के घर में अपनी छोरी का ब्याह कर दिया। वीरेन भैया और बाबूजी के बारे में बहुत कुछ कह रही थी। वीरेन भैया को सहन नहीं हुआ। तो क्या, उसके बाद बड़ी बहू की माँ यहाँ आ गई और अंदर भी नहीं आई। कह रही थी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। वीरेन भैया को गुस्सा आ गया और कहने लगे इतना गरूर। फिर क्या, वीरेन भैया ने मुझे बुलाया और मेरे साथ बाहर की बाहर भेज दिया। अरे तो तूने मन में क्यों ना बुलाया? बड़े भैया ने मना कर दिया था, मैं आपके पास आ ही रहा था, लेकिन उन्होंने पहले ही बाहर भेज दिया। वीरेन ने अच्छा ना किया। मैंने भी यही कहा वीरेन भैया से। वीरेन भैया ने कहा माई तो कहती थी कि छोड़ा बहू को मई के, मैं तो छोड़ने नहीं गया, उसकी माँ आ गई लेने। ऐसी सुंदर और सुशील बहू फिर न मिलेगी वीरेन ने, उसने अच्छा ना किया। जितेंद्र की बीवी ने तो रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए और देव वाली तो मन ने फूटी आंख ना सुहावे। ना माँ जी ना, छोटी बहू तो बहुत अच्छी है। होवेगी, पर मेरे लिए ना है। पर जे बड़ी बहू ने अच्छा ना किया, मिलके तो जाना चाहिए था। सवाल ही नहीं होता, वीरेन भैया मिलने ही नहीं देते। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर कोई मेरे माँ बाबू जी के बारे में गलत बोले तो मैं सहन नहीं कर सकता। मेरा वीरेन प्यार तो बहुत करेगा हमसे, पर मैं बड़ी बहू ने एक बार फोन जरूर करूंगी, पूछूंगी उससे कि मुझसे मिले बिना क्यों चली गई। वीरेन भैया ने मौका ही नहीं दिया। मौका? हाँ, जब उनकी माँ ने इतना कुछ कह दिया था तो फिर आपसे कैसे मिलने का मौका देते? उन्होंने मुझे बुलाया और मैं बड़ी बहू को बाहर ले गया। वैसे बड़ी बहू की आंखों में बदले हुए बदलाव को देखा है मैंने माँ जी। मैं ना मानती इस बात को, एक ही दिन में इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा फैसला कोई ना ले सके। मैं जानू मारे घर पे जरूर कोई पापी साया पड़ गया। जब प्रधान की छोरी जब से हमारे घर पे आई है ना, तब से कुछ सही ना हो रहा है। मन ने तो लगा कि अब घर में जागरण कराना पड़ेगा, तभी सब बातों की शुद्धि होगी।
गई थी? किस बेटे से मिलकर आ रही हो? क्या हुआ? बड़ी बहू पीहर चली गई है और मन ने समझ न आया कि क्यों चली गई है। ऐसे कैसे चली गई? कोई तो कारण होगा। कारण? आपके बेटे ने शराबी कह गई है आपकी समधन, और साथ में कह के गई है कि कातिलों के घर में अपनी छोरी न रखेगी। समधन जी आई थी यहाँ पर? यहाँ ना आई थी, बाहर से ले गई अपनी छोरी ने। इब ले गई तो ले गई। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को उस घर में नहीं रखना चाहेंगे जिस घर के एक बेटे पर गलत संबंध रखने का इल्जाम हो और दूसरे बेटे पर कत्ल का इल्जाम हो। उन्हें भी पता चल गया होगा कि उनके दामाद का क्या लफड़ा है। हमें शर्मिंदा नहीं करना चाहते होंगे, इसीलिए अपने बेटी को लेकर चुपचाप चले गए। बहू भी समझ गई होगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने मन को मजबूत करना सीख लो। न, मन तो बहुत मजबूत हो लिया मेरा, पर बड़ी बहू से मन ने जो उम्मीद न थी कि मुझसे बिना मिले चली जाएगी। ऐसा नहीं है, उसे मौका ही नहीं मिला होगा। सब कहने की बातें हैं वीरेण के बाबूजी कि मौका ना मिला होगा, कम से कम फोन तो कर सकती थी ना, पर नहीं। या फिर हो सकता है इस घर से निजात पाना चाहती हो। नहीं कामनी, नीरू ऐसी लड़की नहीं है। अभी माहौल खराब है, तुम देखना वो जल्दी वापस आ जाएगी। अपने आप लौट आए तो अच्छा है। अगर उसे एक बार मैंने लौटा दिया तो फिर उसका लौटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों सोच रही हो? सोचना पड़ता है वीरेण के बाबूजी, कुछ भी ठीक ना हो रहा। मैंने तो अब सोच लिया है और जागरण में संपूर्ण आहुति देने का इंतजाम कर लिया। सबके पाप, सबके कष्ट, सबकी बुरी नजर एक ही आहुति में मिट जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, जे बड़ी बहू का इस तरह जाना मन अच्छा ना लग रहा है। आप कहो तो एक बार फोन करके बात कर लूं उससे। अभी नहीं कामनी, सुबह कर लेना। मुझे भी उससे बात करनी है। मैं उससे पूछूंगा कि आखिर वो अचानक चली क्यों गई। ठीक है। हाँ, मैं। सुनो, अभी चाय पूछने की जरूरत नहीं, सीधा शरबत लेकर और वीरेन को बुलाओ। वीरेन भैया तो घर पर नहीं है। देव है? देव भैया है, उसे बुलाओ। जी आइए। आप बैठिए, मैं बुला कर लाता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हेलो मिस्टर देव। मिस्टर देव, लगता है अब आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे। दैट्स वंडरफुल इंस्पेक्टर साहब, लेकिन कैसे?
कानून के हाथ लंबे होते हैं, सुना था ना? हाँ सुना तो है। होते हैं, यकीनन होते हैं। अब आप देखिए, इस लंबे हाथ से एक वीडियो शूट किया है। इस वीडियो में ये लड़की कौन है ये देखकर बताएंगे आप? और हाँ, जहां से फोन आया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कहां से? ये समझ लीजिए कि सीधा होम मिनिस्ट्री से। मैंने नींद की गोली क्यों खाई, बस तय कर लिया था कि मैं सबके जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। वीरेन से कहा था, मैंने कहा था कि यहां मत आया कर। मैं जानती थी कि उसने मेरे बात को मजाक में ही लिया। उस रात जब रमेश पैसे लेने के लिए आया तो वीरेन के मैनेजर का बेटा जो सेठ चंदेल के लिए काम करता था, चंदेल ने पैसे के लिए भेजा था उसे, सिर्फ पैसे के लिए। वो नहीं जानता था कि मैंने नींद की गोलियां खा ली है। मैं बेहोश होती जा रही थी तभी डॉक्टर वर्षा आई। डॉक्टर वर्षा जो मेरे प्रेग्नेंट होने का फायदा उठा रही, पूरे 15 लाख रुपए ले चुकी थी और उस रात और पैसा लेने आई थी। वो जान चुकी थी कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। वो उसी बात को लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मुझे बेहोशी में लगा कि वो मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ रही है। मुझे कुछ नहीं सूझा। जैसे ही मेरे हाथ में फूलदान आया, मैंने अपने बचाव में उसके सर पर मार दिया। नहीं जानती उस वक्त वो जिंदा थी या मर गई थी। नीरू जब आई, मैं उसकी किसी भी बात को समझ नहीं पाई और उसके जाने के बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं कार से उतरी और एक बस में बैठ गई और जब होश आया तब मैं गरिमा जी के घर पर थी। बाद में पता चला कि मेरे कत्ल के इल्जाम में देव गिरफ्तार है। मैं सबकी दुनिया से चली ही गई थी। देव निर्दोष है। उसने किसी का कत्ल नहीं किया। ओ, तो ये कांता है? क्या यही कांता है? 100% यही कांता है। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। इसका मतलब ये जिंदा है इंस्पेक्टर साहब? अगर ये जिंदा है तो है कहाँ? कहाँ है ये तो नहीं मालूम। तो फिर ये वीडियो भेजा किसने इंस्पेक्टर साहब? किसने भेजा है ये क्यों बताऊं? क्यों बताने में हर्ज क्या है? आप जब ये वीडियो दिखा सकते हैं तो ये भी तो बता सकते हैं कि वीडियो भेजने वाला है कौन। फिलहाल ये मुझे दीजिए। एक्चुअली मुझे ये वीडियो एसीपी साहब ने फॉरवर्ड किया था। अब उन्हें कहां से मिला ये नहीं पता। और वैसे ही मिस्टर देव, मुझे ऑर्डर है कि आप पे जितने भी चार्जेस लगे हैं उन सबको हटाकर आपको पहले ही पेशी में बरी किया जाए। और हां, जहां से फोन आया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कहां से? ये समझ लीजिए कि सीधा होम मिनिस्ट्री से। पर उस वक्त तो जिसके मोबाइल पर वीरेन भैया का फोन आया था वो तो कोई और ही थी। कभी कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता।
हर चेहरे के पीछे पता नहीं कितने राज छिपे होते हैं। अब समझा, जो मरी वो नहीं थी जो मैं समझ रहा था, और जो मरी वो थी जो मैं समझ नहीं रहा था। मतलब मरी डॉक्टर जिसे मैं कांता समझ रहा था, और जो नहीं मरी वो कांता है जो इस वीडियो में जिंदा है। What? उसने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है स्टेटमेंट बतौर। That's a wonderful news, देव। तुमने जेजी को बताया? वो तो घर पे नहीं है। Oh my God, Inspector साहब, I have made bundle of mistakes. I mean, ये छोटी सी गलती से। Yes, Mr. Dev. आपकी एक छोटी सी गलती से इतने सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो गए। एनीवेज, उम्मीद है कि आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे, और जो कि आप हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मुझे ये वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे? हाँ हाँ, वैसे भी वीडियो अभी चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला है, अगर कोर्ट ने परमिशन दी तो। ओके, ले लीजिए। मिल गए? आ गया। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके मिस्टर दे, फिर मैं चलता हूँ। यस, बाय। हेलो, क्या हुआ? अरे होना क्या है, तुम ये बताओ कि तुम जाग रही हो कि सो रही हो? Dave, have you gone mad? मैंने कहा था ना that I'm coming back. Oh, sorry, भूल ही गया। अच्छा ये बताओ कि कितनी देर में पहुंच रही हो? पहुंच जाऊंगी, तुम बताओ कोई खास काम? खास, बहुत अच्छी खबर। It's a wonderful news. Wonderful news? What? इंस्पेक्टर श्यामलाल आए थे, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। तुम्हें पता है? कांता जिंदा है। What? उसने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है स्टेटमेंट बतौर। That's a wonderful news, देव। तुमने जेजी को बताया? वो तो घर पे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है? ओके, तुम मुझे वो फॉरवर्ड करना, और हाँ, मैं जब तक ना आऊँ ना, तुम अपना मूड ठीक रखना, ओके? मेरा मूड तो हमेशा ठीक रहता है, तुम अपनी बताओ। तुम्हारा दिमाग ना सिर्फ एक तरफ चलता है। अब मैं फोन रख रही हूँ, ओके? बाय। बाय, टेक केयर, बाय बाय। अब ये वीडियो फॉरवर्ड कर देता। यस। इतना क्या सोच रहे हो कांता? तुमने तो अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। जिस दिन भी हियरिंग होगी ना, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। सोच रही थी कि अगर कोई मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया तो